स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वन, हियर इट सेज एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एच दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। दूसरी बात यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, यू दिया हुआ है विच इज ऑलवेज इन नेगेटिव -25। अब यहाँ पे फोकल लेंथ इन्फॉर्म कर दी उन्होंने हमें 15। अब है कौन सा टाइप, कॉनकेव है ना, कॉनकेव का हमेशा एफ कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि जब भी हम रेस को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो बैकवर्ड्स मूव करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस पे एफ पे आके मीट करेंगे, और एफ हमारा कहाँ पे है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, दैट मीन्स इट वुड बी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ क्या होगा आपका, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो एफ नेगेटिव हो गया आपका। उसके बाद इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है हमें। तो वी कैसे फाइंड आउट करोगे यहाँ पे, और साइज ऑफ द इमेज कैसे फाइंड आउट करोगे, यू हैव टू यूज टू फॉर्मूलाज विच इज मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वी की जगह वी ही रहने दोगे, यू की जगह आप क्या प्लेस कर दोगे, -25। 1/f, एफ क्या है हमारा, -15। अब -25 को अगर आप राइट पे लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव 1/25। अब 15 और 25 का एलसीएम इज नथिंग बट 75, तो 75 आया। और पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, ताकि वो 75 बन जाए। तो -2/75 हो गया आपका 1/v। वी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -75/2, विच इज -37.5 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। दूसरी इंफॉर्मेशन आप क्या निकालोगे, साइज ऑफ इमेज निकालोगे। साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा आपका, मैग्निफिकेशन का दोनों फॉर्मूलाज यूज करोगे। ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज h'/h इज इक्वल टू -v/u। तो आपकी दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेट करना है। एच डैश की जगह आप वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे, नहीं पता, निकालनी है। एच की जगह 4, वी की जगह आप क्या सब्सिट्यूट करोगे, -37.5, और यू की जगह क्या सब्सिट्यूट कर दोगे यहाँ पे, -25। एक माइनस से माइनस तो कट गया। एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 राइट पे जाएगा, 37.5 के साथ 4 मल्टीप्लीकेशन में, और नीचे क्या है हमारा, 25। अब वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर में मिलेगा -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका साइज ऑफ इमेज क्या होगा, -6 सेंटीमीटर, एंड दैट वुड बी इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड होगा, और आपको जैसे पता है कि कौन सा केस है कॉनकेव मिरर का, तो इसमें हमारी इमेज कैसी बनती है, ज्यादातर इनवर्टेड, ठीक है, इनवर्टेड एंड इनलार्ज्ड, ठीक है। सो दैट वुड बी योर आंसर फॉर द थर्ड वन।